वेलकम टू द चैनल आरबी फंटासी सेवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीए का जो मैच होने वाला है इंडियन पेसर्स वर्सेज चार्लोट हॉर्नेट्स के बीच में। दोनों टीम यहाँ पर 9th और 10th पोजीशन की यहाँ पर टीमें, और अभी के जो यहाँ पर रेगुलर सीजन के मैच थे एनबीए के, अभी यहाँ से वो मैच यहाँ पर ख़त्म हो गए और यहाँ पर जो टीमें अभी मैच खेलेंगी बस यहाँ पर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर ये मैचेस खेलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने यहाँ पर देखा होगा कि बेंच प्लेयर को यहाँ पर हर एक टीम अपनी बेंच स्ट्रेंथ यहाँ पर यूज़ कर रही थी, बेंच के प्लेयर को यहाँ पर ज़्यादा चांस दिया जा रहा था। बाकी आज के यहाँ पर इसके आगे मुकाबले जो भी होने वाले उसमें आपको यहाँ पर ये कम थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि बेंच प्लेयर यहाँ पर और बेंच स्ट्रेंथ यहाँ पर टीमें यहाँ पर अपनी यूज़ करेंगी। बाकी जब यहाँ पर मैच वन साइडेड हुआ तब यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, फाइनल टाइम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक वर्क नहीं करते तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RBFantasy7, उसी के साथ साथ जो लास्ट NBA के मैचेस हुए थे उसके रिजल्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी दोनों टीम का अगर कंपैरिजन करें तो दोनों टीम यहाँ पर इक्वली है, इंजुरी अपडेट्स भी है, उसी के साथ साथ प्रोबेबल स्टार्टर हम यहाँ पर बात करेंगे इंडियन पेसर्स। तो इंडियन पेसर्स की तरफ से यम ब्रॉकडाउन जिनके ऊपर यहाँ पर GTD 100% फिट नहीं, अगर यहाँ पर 50% भी यहाँ पर फिट हुए तो यहाँ पर इनको खेलने के लिए चांस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी यहाँ पर ये मैच अगर हारे तो यहाँ पर सीजन से ही यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर पेसर जो है तो यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क लेंगे अगर यहाँ पर 50% भी ऐसे यहाँ पर फिट होते हैं। अगर यहाँ पर यम ब्रॉकडाउन नहीं खेलते तो फिर यहाँ पर सभी ऑफेंसिव चार्ज यहाँ पर सी लेवर्टी यहाँ पर संभालेंगे, लेवर्टी भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो हॉलीडे प्रोबेबल आज मैच में आपको एज अ बेंच प्लेयर खेलने को दिखेंगे, ओब्रे स्टोन जो कि रिसेंटली मैचेस में एज अ स्टार्टर खेलते हुए आ रहे थे ये भी आपको एज अ बेंच प्लेयर खेलने को दिखेंगे। बाकी ही समनर जिनके ऊपर भी यहाँ पर गेम टाइम डिसीजन है प्रोबेबली यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड से, उसी के साथ साथ डी रॉबिन्सन पर यहाँ पर GTD गेम टाइम डिसीजन है ये भी 100% फिट नहीं, तो यहाँ पर इंजुरी अपडेट्स बहुत सारे आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर कोई भी प्लेयर यहाँ पर 50% भी यहाँ पर फिट हुआ तो यहाँ पर टीम यहाँ पर अपने चांस लेने वाली है। और उसी के साथ साथ डी मैकडॉट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 8.5 क्रेडिट के प्लेयर है, अगर यहाँ से यम ब्रॉकडाउन नहीं खेलते तो यहाँ पर लेवर्टी और डी मैकडॉट यहाँ पर संभालेंगे ऑफेंसिव चार्ज और फिर दोनों यहाँ से इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। बाकी डी रॉबिन्सन भी खेलते तो सेंटर के बेस्ट पिक है, मस्ट हैव है। अगर यहाँ पर रॉबिन्सन खेलते तो आप इनको पिक करके GL और स्मॉल लीग में दोनों में यहाँ पर SPP भी यहाँ से ट्राई कर सकते हो। बाकी प्रोबेबल स्टार्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं इंडियन पेसर्स की तरफ से, इसमें यहाँ पर चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी इंजरी की वजह से। बाकी यहाँ पर अगर चार्लोट हॉर्नेट्स की तरफ से अगर बात करूँ तो यल बॉल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ट्यूरोजो स्टार्ट करेंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे पी वाशिंगटन, जी आइवर जो कि यहाँ से आउट है, मार्टिन यहाँ से आउट है, उसी के साथ साथ यम मोनी की खेलेंगे एज अ बेंच प्लेयर, इनको यहाँ पर आप GL में ट्राई करना, स्मॉल लीग के लिए कुछ खास नहीं। ब्रिज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और सेंटर से यहाँ पर विवायम्बो और सीजेलर दोनों में से कोई एक आपको एज अ स्टार्टर यहाँ से देखने को मिलेगा, प्रोबेबल फाइव स्टार्टर आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर चार्लोट हॉर्नेट्स की तरफ से। बात करेंगे लास्ट मैच का परफॉर्मेंस, तो लास्ट मैच में एलबोन में स्टार्ट किया था, डिग्रामा दोनों खेले थे एज अ बेंच प्लेयर और डिग्रामा को रिसेंटली मैचेस में यहाँ पर बेस्ट टाइम मिल रहा है और बेस्ट परफॉर्मेंस इनकी तरफ से यहाँ पर आ रहा है। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस येलो बॉल एज अ स्टार्टर करते हो, 33 मिनट खेलकर 90.7 रिबाउंड 5 असिस्ट और 2 स्टील, ऑफेंसिव चार्ज संभालेंगे येलो बॉल और उसी के साथ साथ टी रॉजर, दोनों यहाँ से इंपॉर्टेंट पिक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। डिग्रामा जो कि पॉइंट गार्ड से खेलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इनके बैंक से, जो कि यहाँ पर गार्ड से खेलेंगे और गार्ड से इनको सबसे बेस्ट टाइम रिसेंटली मैचेस में भी मिला है और आज के मैचेस में यहाँ पर इनको सबसे बेस्ट टाइम यहाँ से मिल सकता है। रिसेंटली मैचेस में यहाँ पर एवरेज यहाँ पर 30 और 31 मिनट यहाँ से खेले तो इंपॉर्टेंट पिक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर टी रॉजर जो कि आपको एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे, बीवैन मेकर खेलेंगे एज अ बैंक प्लेयर, अवॉइड कर सकते हो कुछ खास प्लेयर ने इनएक्टिव रहे थे। बाकी यहाँ पर टी रॉजर की अगर बात करूँ तो लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 37 मिनट खेलकर 22.9 रिबाउंड 9 असिस्ट और 3 स्टील इनके तरफ से आए थे, इंपॉर्टेंट है ट्राई करना और बेस्ट SPVP चॉइस भी ऐसे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी जी आइवर यहाँ से आउट है, यम मोनंकी जो कि खेलेंगे एज अ बेंच प्लेयर, यम मोनंकी का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस 6 मिनट खेलकर 1 रिबाउंड और 1 असिस्ट इनके लिए तरफ से आया था, जेल में ट्राई करना, स्मॉल लीग के लिए कुछ खास विक नहीं। पी वाशिंगटन जो कि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसी के साथ साथ अमरीश धोनी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जे मैकडिनल्स ये भी अच्छे खासे पिक यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस तीनों यहाँ पर स्टार्ट कर रहे थे और तीनों एज अ स्टार्टर करते हुए मैकडिनल 13.4 रिबाउंड और 2 असिस्ट, पी वाशिंगटन 11.9 रिबाउंड 4 असिस्ट 1 ब्लॉक और 2 स्टील, यमरीज स्टार्ट करते हुए टाइम बेस्ट मिला, परफॉर्मेंस भी बेस्ट आया था, 17.4 रिबाउंड और 4 ब्लॉक इनकी तरफ से ऐसे आए थे, तो तीनों यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पिक यहाँ से मिल जाएंगे। मैकडिनल्स ने लास्ट मैच में स्टार्ट किया था, प्रोबेबली आज का मैच भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, सीजल और विवायम्बो जो कि सेंटर के प्लेयर है खेलेंगे एज ए बेंच प्लेयर, लास्ट मैच में खेला था और दोनों में से कोई एक आपको यहाँ से स्टार्टर देखने को मिलेगा जे मैकडोनल की जगह पर। बाकी यहाँ पर लास्ट मैच का परफॉर्मेंस तीनों में से कोई एक तो स्टार्ट करेगा सेंटर से, चाहे वो विवायम्बो हो, सीजलर हो या फिर मैकडिनल्स हो, बाकी अभी ये कन्फर्म नहीं कौन स्टार्ट करेगा। लास्ट मैच परफॉर्मेंस जेलर 30 मिनट खेलकर
11.4 रिबाउंड और 2 असिस्ट एज ए बेंच प्लेयर खेलकर, बीबायम को 5 मिनट खेलकर 2 पॉइंट और उसके साथ साथ 2 रिबाउंड इनके तरफ से आए थे। ये भी 100% फिट नहीं थे लास्ट मैच में इनको, इसलिए यहाँ पर इनको थोड़ा सा कम टाइम मिला था। बाकी सेकंड मैच में थे यहाँ से ये खेल ही नहीं रहे थे। बाकी अगर यहाँ से बात करूँगा इंडियन पेसर्स की तरफ से, तो इंडियन पेसर्स की तरफ से ये एम ब्रॉकडाउन रिसेंटली 1-2 मैचेस से यहाँ पर बाहर है। तो टीम एक्लोन के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एज ए बेंच प्लेयर है, इनको यहाँ से बेस्ट टाइम मिल रहा है। अगर यहाँ पर ब्रॉकडाउन नहीं खेलते तो फिर यहाँ पर आप यहाँ पर टीम एक्लोन जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे, अगर यहाँ से ब्रॉकडाउन खेलते तो टीम एक्लोन को यहाँ पर थोड़ा सा कम टाइम मिल सकता है यहाँ पर बैन से। तो आप यहाँ पर टीम एक्लोन पर थोड़ा सा यहाँ से रिस्क ले सकते हो। बाकी जो लास्ट मैच का परफॉर्मेंस रहा था इंडियन पेसर्स की तरफ से, यम ब्रैकडाउन जो कि लास्ट मैच यहाँ पर खेलने रहे थे, टीम एक्लोन बैन से टाइम बेस्ट मिला, परफॉर्मेंस बेस्ट आया था। 12.5 रिबाउंड, 17 असिस्ट, 1 ब्लॉक और 2 स्टील। जो सेकंड मैच रहा था टीम एक्लोन का, यहाँ पर भी टाइम बेस्ट मिला और इनकी स्ट्रेंथ स्टील बहुत बढ़िया करते हैं हर मैचेस में। यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर मोर देन 1 और 2 यहाँ पर स्टील यहाँ पर करती है। जो लास्ट मैच रहा था, जो सेकंड मैच रहा था, यहाँ पर भी उन्होंने दिए थे 4 स्टील, और जो लास्ट मैच रहा था यहाँ पर भी इनके तरफ से आए थे 2 स्टील। तो इंपॉर्टेंट प्ले के रिसेंटली मैचेस में इनके तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस आया। एज ए स्टार्टर करते हुए भी आप देख सकते हैं 3 स्टील यहाँ पर भी आए थे, टाइम इनको बेस्ट मिला था। अगर यहाँ पर यम ब्रॉकडाउन नहीं खेलते तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर टीम एक्लोन यहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी क्रिस लेवर्टी एज ए स्टार्टर यहाँ पर खेलेंगे। क्रिस लेवर्टी का जो लास्ट मैच रहा था 21 मिनट खेलकर 13.1 रिबाउंड, 6 असिस्ट और 2 स्टील। बाकी ये टाइम पर यहाँ पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर जो मैचेस रहे थे यहाँ पर बेंच स्ट्रेंथ को यहाँ पर यूज़ कर रही थी, क्योंकि टीमों को पता था कि यहाँ पर वो यहाँ पर 9 और 10 पोजीशन पर ही रहने वाले और उनको यहाँ पर नॉकआउट मुकाबले खेलने हैं। तो यहाँ पर ये टीमें इनके बेंच प्लेयर को यहाँ पर चांस दे रही थी। बाकी जो लेवर्टी यहाँ पर लास्ट मैच यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइम इनका दिखा रहा है 21 मिनट, तो यहाँ से इनका यहाँ पर टाइम आज के मैच में अबो 35 मिनट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। बाकी ये समनर यहाँ पर प्रोबेबली यहाँ पर एज ए स्टार्टर देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली 2-3 मैचेस से यहाँ पर खेलने रहे, जो ऑलरेडी इनकी जगह पर यहाँ पर स्टार्ट कर रहे थे। और लास्ट मैच का जो जे ऑलरेडी का जो परफॉर्मेंस रहा था 30 मिनट खेलकर 7 पॉइंट और 3 रिबाउंड इनके तरफ से आए थे। बाकी आज का मैच एज ए बेंच प्लेयर खेल सकते हो। ओब्रिसी यहाँ पर रिसेंटली मैचेस में एज ए स्टार्टर खेल रहे थे और लास्ट मैच का परफॉर्मेंस टाइम बेस्ट मिला, परफॉर्मेंस बेस्ट आया 31 पॉइंट, उसके साथ साथ 10 रिबाउंड और 3 असिस्ट। आज का मैच एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, टाइम इनको कन्फर्म नहीं कितना मिलेंगे या फिर कितना नहीं। ये ऑलरेडी इनके गार्ड के प्लेयर है, जीटीडी गेम टाइम डिसीजन है, कन्फर्म नहीं खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। डी रॉबिन्सन इन पर भी यहाँ पर गेम टाइम डिसीजन है। बाकी यहाँ पर मुझे लगता है आज का मैच यहाँ पर रॉबिन्सन खेलेंगे। लास्ट मैच 39 मिनट खेलकर 25 पॉइंट, 16 रिबाउंड, 5 असिस्ट और 3 स्टील। तो रिबाउंड आपको हर मैचेस में इनके तरफ से यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटर से खेलते और अच्छा खासा यहाँ पर रिबाउंड यहाँ से करते। बाकी जो सेकंड मैच रहा था वहाँ पर खेले नहीं थे। थर्ड मैच में भी आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 10.6 रिबाउंड और 14 असिस्ट और 1 स्टील इनकी तरफ से आया था। बाकी क्रेडिट थोड़ा सा है, अगर आप इनको पिक कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर एसपी के साथ आप यहाँ से जा सकते हो। बाकी सेंटर से यम टर्नर जो कि आउट है, डी मैकडेट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड से, 8.5 क्रेडिट के प्लेयर है। और मैकडेट सबसे इंपॉर्टेंट पिक है यहाँ से सेंटर से। तो लास्ट मैच 28 मिनट खेलकर 19.1 रिबाउंड और 2 असिस्ट। अगर यहाँ से आज का मैच यहाँ पर फिर से डी रॉबिन्स यम ब्रॉकडाउन नहीं खेलेंगे तो एज ए स्टार्टर में आपको यहाँ पर क्रिस लेवर्डी और उसी के साथ साथ डी मैकडेट यहाँ पर आपको एज ए यहाँ पर ऑफेंसिव चार्जर यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। बाकी यहाँ से अगर बात करूँगा ड्रीम इलेवन टीम, तो ब्रेकडाउन पर थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 100% फिट नहीं खेलेंगे भी, तो हो सकता है थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा या फिर बीच में मैच में से यहाँ पर बाहर भी जा सकते हैं या फिर पूरा टाइम भी खेल सकते हैं। तो ये कन्फर्म नहीं, किसी को भी पता नहीं, यहाँ पर इंजरी पर यहाँ पर डिपेंडेंट है। बाकी यहाँ पर आपके पास डेरिक रामा अवेलेबल है, टीम एक्लोन अवेलेबल है, दोनों में से किसी को पिक कर सकते हो। अगर ब्रेकडाउन नहीं खेलते तो टीम एक्लोन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक, बैंक से सबसे बेस्ट टाइम मिलेगा। और फिर भी यहाँ से हॉलीडे नहीं खेलते तो फिर यहाँ पर फिर भी आपको टीम एक्लोन यहाँ से आपको बेस्ट पिक मिल जाएंगे, क्योंकि गार्ड से इनसे बेटर पिक आपको कोई मिलेगा नहीं। और हर मैचेस में यहाँ पर मोर देन 2 स्टील यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर हर मैचेस में यहाँ पर रिसेंटली मैचेस में ये करते आ रहे। बाकी टी रॉयजर और क्रिस लेवर्टी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको यहाँ पर हॉलीडे आपके पास अवेलेबल है, ब्रिस्टेड अवेलेबल है, ऑलरेडी अगर खेलते तो यहाँ पर ये खेलेंगे घर से, इनको भी यहाँ पर आप पिक कर सकते हो। और मार्टिन भी आपके पास यहाँ से अवेलेबल है, तो आपको क्रेडिट सेवर के साथ जाना तो क्रेडिट सेवर भी जा सकते हो। बाकी हॉलीडे और ब्रिस्टेड दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो, दोनों यहाँ पर बेस्ट पिक है, जो कि दोनों यहाँ पर आज का मैच प्रोबेबली खेलेंगे एज ए बेंच प्लेयर। पी वाशिंगटन स्टार्ट करेंगे, यमरी स्टार्ट करेंगे, रिसेंटली मैचेस इनके लिए बेस्ट है। डी मैकडेट जो कि ऐसे इंपॉर्टेंट पिक आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आप यहाँ पर चाहे हो तो टी रॉबिन्सन को पिक कर सकते हो, लेकिन टी रॉबिन्सन के लिए मेरे पास यहाँ पर क्रेडिट अवेलेबल नहीं। बाकी थोड़ा सा रिस्क लेके पी वाशिंगटन को यहाँ पर ड्रॉप करके डी रॉबिन्सन के साथ आप यहाँ से जा सकते हो। बाकी यहाँ से आप अगर ये हॉलीडे खेलते तो फिर यहाँ पर ये हॉलीडे बेस्ट पिक यहाँ से मिल जाएंगे, फिर यहाँ से मैं और ये हॉलीडे को पिक कर लूँगा। और ये कॉम्बिनेशन डी रॉबिन्सन के साथ अगर यहाँ से बात करूँगा एस पी और पी पी चॉइस की, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है एस पी और पी पी के लिए। आप यहाँ पर टी रॉयजर को और क्रिस लेवर्टी को भी ट्राई कर सकते हो,
और डिसऑबिंसर में भी आपके पास एक बेस्ट SPVV भी चॉइस अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा इन पर डिसऑबिंसर पर यहाँ पर रिस्क ले रहे हो इतना कि इनके यहाँ पर पिक कर रहे हैं, तो आप ये समझ कर रिस्क ले रहे हो कि यहाँ पर ये परफॉर्मेंस यहाँ पर इनकी तरफ से बेस्ट आएगा। और 18.5 क्रेडिट का प्लेयर अगर यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस देता है तो फिर यहाँ पर इनकी तरफ से आप इनको SP बना दीजिए। अगर यहाँ पर आप इनको SP और PP नहीं ट्राई कर रहे हो तो फिर यहाँ पर बेटर है इनको यहाँ पर आप अवॉइड ही कर लीजिए। लेना है तो फुल रिस्क लेना है, नहीं तो यहाँ पर रिस्क लेना ही नहीं। बाकी यहाँ पर डिसऑबिंसर पर रिस्क ले रहे हो तो फिर यहाँ पर आप इनको SP बना दीजिए। और PP के लिए आपके पास ऑप्शन है टी रॉयजर और क्रिस लेवर्टी, दोनों यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। बाकी यहाँ से टी रॉयजर के साथ फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, बाकी आप चाहे तो यहाँ पर क्रिस लेवर्टी के साथ भी यहाँ से जा सकते हो। बाकी फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जो भी फाइनल न्यूज़ आती है उसके अकॉर्डिंग। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आएगा, उसके साथ साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा। तो मिलते फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।